भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने महासमुंद में सीएम बघेल द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर कहा कि वे घोषणा वीर सीएम है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, मगर यह छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के झूठे वादों में नहीं आएगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा वादा नहीं कर सकती। वही 21 प्रत्याशियों के साथ बैठक को लेकर अरुण साव ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान को आगे कैसे बढ़ाना है, इसलिए बैठक की जाएगी। देखिए, ये भूपेश बघेल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। ये घोषणाओं पर बात करें तो केवल घोषणा ही है, धरातल पर कोई काम नहीं है। चुनाव नजदीक आया है तो जनता को भरमाने के लिए, ठगने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की जनता एक बार भूपेश बघेल के झूठे वायदों में आ गई है। बार बार छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा वादा नहीं कर सकेंगे। आज काफी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई 21 प्रत्याशियों को, माथुर जी बैठक लेंगे, क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे प्रत्याशियों को आगे इस प्रकार से चुनाव के प्रचार के अभियान को आगे बढ़ाना है। इन विषयों को लेकर पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। रायपुर पश्चिम विधानसभा में सरकार जानबूझकर ऐसे नियम बनाए कि उसे अडानी और अंबानी को देने की फिराक है। देखिए, भूपेश बघेल जी कभी बस्तर के हितैषी रहे नहीं हैं। 4.5 सालों में बस्तर की दुर्दशा उन्होंने की है, बस्तर का विकास ठप किया है। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी तरक्की और विकास के हमेशा विरोधी रहे हैं। ये विकास विरोधी चेहरा है उनका।